नमस्कार बिजनेस रेमिडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी बिजनेस रेमिडीज़ के दर्शकों के लिए आज हम लेकर आए हैं तेलंगाना आधारित विलेन बायोमैड लिमिटेड के बारे में ज़रूरी जानकारियां विलेन बायोमैड लिमिटेड द्वारा एन एस सी इनमर्ज प्लेटफॉर्म पर आई लाया जा रहा है जो कि सोलह जून को खुलकर इक्कीस जून दो को बंद होगा आपको बता दें कि विलेन बायोमैड लिमिटेड बल्क में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का निर्माण एवं बिक्री करने वाली कंपनी है वर्ष 2005 तो में विलेन बायोमैड लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ था कंपनी की उत्तराखंड राज्य स्थित रूड़की में निर्माण इकाई है कंपनी दस रुपये फेस वैल्यू के 40 लाख शेयर तीस रुपये प्रति शेयर के भाव से जारी कर 12 करोड़ रुपए जुटा रही है कंपनी के आईपीओ का लॉट साइज 4000 शेयरों का है कंपनी के आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी इन्वेंचर मर्चेंट बैंकर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने 11.21 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 3.35 लाख रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है वित्त वर्ष दो में इकतीस दिसंबर दो तक की अवधि में कंपनी ने 9.03 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 1.28 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है उक्त अवधि तक कंपनी की कुल असट करीब सोलह करोड़ रुपए नेटवर्थ आठ पॉइंट सड़सठ करोड़ रुपए और रिजर्व एंड सरप्लस पाँच पॉइंट सैंतीस करोड़ रुपए अर्जित किया है आपको बता दें कंपनी पर करीब छः पॉइंट सत्रह करोड़ रुपए का कुल कर्ज है नेटवर्थ के मुकाबले कर्ज की स्थिति सामान्य कही जा सकती है चलिए अब आपका परिचय करवाते हैं कंपनी के प्रवर्तकों और उनके अनुभव से। उनसठ वर्षीय कंपनी प्रवर्तक साधनाला वेंकट राव पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिव है उन्हें फाइनेंस लीगल और सेक्रेटरियल क्षेत्र में कार्य करने का तीन दशकों का व्यापक अनुभव है तो ये थी तेलंगाना आधारित विलिन बायोमेड लिमिटेड के बारे में जरूरी जानकारियाँ स्टॉक मार्केट कमोडिटी बाजार और आईपीओ मार्केट से जुड़े हर जरूरी समाचार से हम आपको करवाते रहेंगे अपडेट देखते रहिए बिजनेस रेमिडीज की डिजिटल खबरें वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद